नमस्कार, वेलकम टू श्रवीज किचन। आज मैं आपके सामने बहुत ही हेल्दी सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बहुत ही जल्दी बनाकर खुद स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने कुछ सामान लिया है, जिसमें ये अंकुरित मूंग है, इधर ये लोबिया है, ये ग्रेटेड कैरेट है, और इधर ये सोयाबीन है, जो ये भी थोड़ा सा अंकुरित है, और इधर हरी मटर के दाने हैं, ये पनीर है छोटे टुकड़े में कटे हुए, इधर ये अनार के दाने हैं, और ये कटा हुआ टमाटर है, और ये कटा हुआ खीरा है। इसके अलावा ये थोड़ा सा चाट मसाला है, ये काली मिर्च और जीरा का पाउडर है, और ये सादा नमक है। और इसमें डालने के लिए हमने थोड़े से प्याज काट के रखे हुए हैं, एक ये कटी हुई हरी मिर्च है, 3 से 4 लहसुन की कलियां हैं, और ये कटी हुई हरी धनिया की पत्ती है। तो चलिए इस हेल्दी सैलेड को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हमने गैस पर फ्राई पैन को चढ़ा दिया है और उसमें अब हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा हम ऑयल इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि हमको इसे हेल्दी बनाना है। बस सभी चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही हमको इसे पकाना है। तो अब हमारा ये तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। बाद हम इसमें ये हींग पाउडर डालेंगे। साथ ही इसमें ये हरी मटर के दाने डाल देंगे। अगर फ्रोजन मटर आप लेते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मटर ली है, तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको पहले डाला है। अब इसी के साथ मैं ये लोबिया डाल दूंगी, और ये सोयाबीन, अभी मैं इसमें मूंग नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मूंग बहुत जल्दी पकती है और बहुत ज़्यादा मुझे इसे पकाना नहीं है। तो करीब 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक देती हूँ। अब मैं इसको खोल कर चेक करती हूँ। इसी वक्त मैं इसमें पनीर डालूँगी। अच्छे से चला दूँगी इसको। अब अंदाज से मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक दोस्तों इसमें मैं अभी कमी डाल रही हूँ, क्योंकि ऊपर से मुझे अभी चाट मसाला भी डालना है, जिसमें पहले से ही काफ़ी मात्रा में नमक होता है। तो अच्छे से चलाने के बाद मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। बारी आती है इसको डेकोरेट करने की, जिससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ेगा और ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा।
तो मैं इसमें सबसे पहले ये टमाटर ऐड करूंगी। इसके बाद ये कटा हुआ कैरेट डालूंगी मैं इसमें। ये कटे हुए खीरे भी इसमें डाल देंगे। अब ऊपर से ये कटे हुए प्याज हम डालेंगे। अगर आपको प्याज का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ना डालिए आप इसमें। अब ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा सादा नमक और डालूंगी, बहुत ज़रा सा, ये चाट मसाला। साथ ही ये काली मिर्च और जीरा का पाउडर है, इसको भी डाल रही हूँ। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़े से अनार के दाने डालूंगी, जिससे ये देखने में तो खूबसूरत लगेगा ही, हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा दोस्तों इसमें बाकी है, मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी। अब हमारा ये हेल्दी सैलेड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इसको आपने देखा, बहुत जल्दी बनाया है मैंने, आप भी इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। साथ ही ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। इसको आप चाहें तो यूं ही खाएं, या फिर आप खाने के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया हेल्दी चाट बन के तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया सैलेड है ये। इसको आप ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखिए और खुद भी स्वस्थ रहिए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।